नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिहार से। बिहार में वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। उनके पिता जीतन सहनी का शव घर में छत विछत हालत में मिला। ये खबर मिलते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को फ़ोन किया और पिता के निधन पर शोक संवेदनाएँ व्यक्त की हैं। इसके साथ ही डीजीपी को मामले में जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अन्य राजनेताओं ने भी उनकी मौत पर दुख जाहिर किया है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर कई बड़े नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान नेता उपेंद्र कुशवाहा ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या की खबर सुनकर बेहद दुखी हूँ। यह घटना अत्यंत दुखद और निंदनीय है। पता नहीं यह कैसे हुआ, परंतु जैसे भी हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वह स्वयं संज्ञान ले ताकि सच्चाई का पता चल सके और अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। जेडीयू के नेता संजय झा ने कहा कि वीआईपी के प्रमुख सह बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री मुकेश सहनी जी के पिता जीतन सहनी जी की हत्या अत्यंत दुखद और निंदनीय है। हम सभी की संवेदना उनके शोकाकुल परिजनों के साथ है। मुझे विश्वास है कि बिहार पुलिस दोषियों को सजा दिलाने के लिए तत्परता से काम करेगी। ईश्वर से दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने तथा परिजनों को संबल प्रदान करने की मैं प्रार्थना करता हूँ। बता दें कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर राजद MLC सुनील सिंह ने कहा कि दिन प्रतिदिन इस तरह से बिहार की विधि व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है। कभी भी किसी मंत्री की हत्या हो सकती है, कहीं भी कोई कानून व्यवस्था पर सरकार की लगाम नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या अत्यंत दुखद और स्तंभ कर देने वाली है। इस दुखद घटना की सूचना मिलते ही मैंने मुकेश सहनी जी से दूरभाष पर बातचीत की और परिवार के प्रति संवेदना और दुख प्रकट किया है। तो अब तक की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर बिहार से आ रही है। फिलहाल पुलिस अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। आप सभी दोस्तों से विनती है, कमेंट बॉक्स को खाली ना छोड़ें। कमेंट बॉक्स में ओम शांति ओम जरूर लिखें।